शनि जब बृहस्पति के पास गए और उन्होंने उनको पढ़ाने से मना कर दिया तो वो शुक्राचार्य के शरण में गए और वहां से उन्होंने बहुत कुछ सीखा तो अगर आप देखें तो वीनस की जो एनर्जी है वो एक गुरु वाली एनर्जी है और शनि की जो एनर्जी है शिष्य वाली एनर्जी है तो यहाँ पे क्या है कि ये जो आठ नंबर का जो साल है ज्यादातर वीनस रूल्ड वालों को बहुत ज्यादा फायदा दे सकता है पर हाँ ये साल शनि का है तो यहाँ पे हार्ड वर्क के बिना कुछ नहीं होगा इवन इफ दिस ईयर इज प्रो यू रिमेम्बर दट यू के नॉट इग्नोर हार्डवर्क डेडिकेशन डिटर्मिनेशन एंड डिसिप्लिन इन योर लाइफ अगर आप ये सारी चीजें करते जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये साल आपके लिए बहुत आगे बढ़ने के बहुत बड़े बड़े ऑपरचुनिटीज खोल सकता है एक चीज का आपने ध्यान रखना है अपनी रिलेशनशिप को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना काम को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना अगर हो सके तो मीनिंगलेस रिलेशनशिप्स में ना पड़े इस साल और एक्स्ट्रा मैरिटल से दूर रहें वरना आपको बेफिजूल जो पॉजिटिव्स हैं आपके लाइफ में वो नेगेटिव्स में बदल सकते हैं सो ट्राई एंड बी मोर फोकस्ड अपने रिश्तों का ख्याल रखिए अपने काम का ख्याल रखिए और जो भी आपका काम है उसमें अगर आप थोड़ी सी रिसर्च ले आए तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा वीनस रूल बाई गॉड इज लक्ष्मी इस साल लक्ष्मी मंत्र आप रोज करिए एंड वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल मंत्र ओम रीम रीम श्रीम श्रीम लक्ष्मी वासुदेवाय नमः या फिर सिंपली आप शुक्र मंत्र भी कर सकते हैं इज़ ओम शुक्राय साथ में मुखी रुद्राक्ष पहनिए, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा अपने वर्क डेस्क पे या अपने वेबसाइट पे जरूर क्लियर uh, कोड्स का क्रिस्टल रखिए दिस इज गोइंग टू बी मैजिकल फॉर यू इतनी चीजें करिए और अपने गोल्स की तरफ आप आगे बढ़ते जाइए